हेलो व्यूअर्स, ये वाली वीडियो हमारी लास्ट वीडियो की कंटिन्यूटी में बन रही है, जिस वीडियो में हमने बताया था कि प्रेपरेशन कैसे करेंगे चिक्स के आने से पहले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे जो फर्स्ट डे पे हम कैसे मैनेज करते हैं अपने चिक्स को, जैसे कैसे वैक्सीनेशन करेंगे, कैसे उनको पानी इंट्रोड्यूस कराएंगे और फीड इंट्रोड्यूस कराएंगे, और ये सब इस वीडियो में आपको अभी देखने को मिलेगा। हमारी कॉलेज की हैचरी के न्यूली हैच्ड चिक्स हमारे पास ये लेयर्स हैं, और ब्रॉयलर्स में भी इसी प्रकार से वैक्सीनेशन की जाती है। जब इनकी उम्र एक दिन होती है तो मैरिक्स डिजीज़ MD के अगेंस्ट वैक्सीनेशन की जाती है, चाहे लेयर बर्ड हो चाहे ब्रॉयलर, लेकिन डे वन पे वैक्सीनेशन की जा सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबकट इंजेक्शन जो है हम इनमें लगाएंगे, चाहे लेयर्स हो चाहे ब्रॉयलर्स हो MD के अगेंस्ट। और ये है MD वैक्सीनेशन और साथ में वैक्सीन। ये हमारे डे वन ओल्ड वैंकब चिकन हैं, ये हमने बाहर से ऑर्डर पे मंगवाए हैं। इनमें भी MD की वैक्सीनेशन डे वन पे हो चुकी है। हम वाटर में इनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि ये वाटर इनटेक कैसे करना है वो सीख सकें। हम इनकी बीक पानी में डिप करेंगे और उस के बाद हर एक चूजे का वजन लेंगे, और वजन लेने के बाद हम उसे ब्रूडिंग एरिया में डाल देंगे। वजन लेना इसलिए जरूरी है ताकि हम टाइम टू टाइम देख सकें कि कितनी उनमें ग्रोथ हुई है। हमारे चिक्स के अराइवल के लगभग 2 घंटे पहले हमने ब्रूडिंग एरिया का टेम्परेचर सेट कर दिया है, जो ब्रूडिंग हीटर और ब्रूडर जो है वो हमने ऑन कर दिया है ताकि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर उस कमरे का मेंटेन रह सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।